सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीके स्टडी चैनल में। हाँ तो दोस्तों, हम लोग इसके पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना जान चुके हैं। ठीक, अब हम इस वीडियो में जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जो है कि विस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। ओके, तो ये देखते हैं विस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मान यानी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि 2x + 3y बराबर ले लिए 3 ले लिए। ठीक, और एक कोई क्वेश्चन लेते हैं 4x - y = 3। ओके, अब देखिए हमें इसको क्या करना है, इसको हल करके इसमें से निकालना हमें xy का मान, वो भी कौन सा विधि से हमें हल करना है इसको, तो करना है आपका विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन वही विस्थापन विधि से विस्थापन। ठीक है, तो फिर इसको करते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन दिया समीकरण उसको यहाँ नोट किया जाए। पहला दिया हम लोग का 2x + 3y = 3 या समीकरण 1। फिर दूसरा दिया 4x - y = 3 या हो गया समीकरण 2। ठीक है, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 चाहे 2 से पहले x या फिर y का मान निकालना है, तो निकालते हैं। पहला दिया होगा 2x + 3y = 3। देखिए इसमें तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, चाहे x चाहे फिर y का किसी का इसमें से मान निकालेंगे। ठीक, निकालते हैं, तो हम यहाँ से निकालते हैं x का मान। देखिए जिसका मान जब भी निकालना रहेगा ना, तो उसको क्या करेंगे, एक साइड करेंगे, बाकी सबको बराबर को सेट कर देंगे। ठीक है ना, तो हमें x का मान निकालना है तो 3y को भी हटा देंगे और 2 को भी हटाएंगे, तो क्या निकलेगा, फिर उन लोग का एक्स का मान निकल जाएगा। अगर वाई का मान निकालना रहता तो इन सभी को हटाना पड़ता, यानी 2x को हटाना पड़ता, फिर 3 को हटाना पड़ता, तब निकलता हमारा वाई का मान। ठीक, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एक्स का मान। ठीक, तो हम चाहे तो किसी का मान निकाल सकते हैं, पहले एक्स चाहे वाई का, तो यहाँ पे निकालते हैं पहले एक्स का मान। ठीक, तो पहले यहाँ पे क्या है, 3y है, तो 3y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ये गया तो उधर -3y हो गया। ठीक, अब एक्स के साथ में क्या है, 2 है, तो 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, तो एक्स बराबर आ जाएगा 3 - 3y हम बटे में 2। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, जाकर पुट कर देंगे समीकरण 1 में, सॉरी जिसमें से इसका मान निकालेंगे, जैसे यहाँ पे x का मान निकालने किस समीकरण से, समीकरण 1 से निकाले ना, तो इसको हम ले जाकर समीकरण 1 में मान इसका पुट नहीं करेंगे। ठीक, ये इसको थोड़ा याद रखिएगा, नहीं जिस समीकरण में से हम लोग निकालेंगे एक साइन वाई का मान, तो उसको ले जाकर हम उस समीकरण में न पुट करके उसके दूसरे वाले समीकरण में पुट करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे x का मान निकालने किस समीकरण से, तो समीकरण 1 से, तो इसका मान पुट करेंगे किस में ले जाके, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये पुट करते हैं, यानी लिख दिया बस (2), यानी (2) यानी समीकरण 2 से। ठीक, करते हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में जाके x का मान पुट करें। ठीक है ना, तो पुट किया जाए तो 4 तो ऐसे ही यहाँ पर रहेगा, 4 × और x का मान क्या निकालें हम, तो x का मान निकालें हम लोग ये, तो रख देंगे उसके जगह पर जाके 3 - 3y हम पट्टा में 2, माइनस में क्या है वाई, तो ऐसे चलेगा और बराबर में 3। ठीक, बस इसको यहाँ सॉल्व करना, आप देखिए 4 क्या, 4 के चेंज कुछ नहीं तो 1 ले लिए, तब ये ऊपर नीचे गुणा में आ गया, तो 2 से तो 4 कट जाएगा दो बार में, तो यहाँ पे क्या बचा, हम लोग बचा केवल 2, और गुणे यहाँ पे 3 - 3y - y = 3। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसमें 2 संदर्भ गुणा किया जाए, हो गया 2 - 6y - y = 3। ठीक, तब देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से, कि तो 6 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर देखिए y का पावर कितना है, यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे y का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी जब भी क्या, जब भी चर जो रहते हैं, चर का अगर चर सेम एक चर एक ही जैसा, जैसे जैसे कि x चर रहेगा, y चर रहेगा, z चर रहेगा, जब चर सेम रहेगा और उसका घात भी सेम रहेगा, तो वो क्या हो सकता है, उसको हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -6y है, यहाँ पे -y, तो मिलकर कितना हो जाएगा, -7y और बराबर में 3। ठीक, तो हमें निकालना है यहाँ से y का मानना, तो क्या करेंगे, तो 6 को पहले उधर भेजा जाए, तो यहाँ पर बचा केवल -7y = 3, ये 6 गया तो -6। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे y के साथ अब केवल क्या है, y के साथ केवल -7 है, तो -7 को ही भेज देंगे बराबर के उस साइड, तो 7 को केवल भेजे तो क्या गया, बचा -1, केवल -7 को भेज दिए, तो यहाँ बचा 3 में से 6 घटा कितना बचा -3, उसको यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया जाए,
छः में से तीन घटा तो तीन माइनस तीन बचा और सात गया बट्टे में इसके, तो हमारा वाई का माइनस वाई बराबर कितना आ गया माइनस थ्री बाई सेवन। तो देखिए इसे क्या करेंगे, माइनस से माइनस हमारा कट गया तो वाई का मान हम लोग कितना गया, तो हम लोग को वाई का मान मिल जाएगा थ्री बाई सेवन। ठीक है, तो ये हमारा रहा वाई का मान। अब इसी वाई का मान हम क्या करेंगे, इसको ले जाकर चाहे तो समीकरण एक में चाहे दो में किसी में भी पुट कर देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा एक्स का मान। ठीक, तो ये पुट करते हैं फिर, तो देखिए तो हम लोग का वाई का मान है तीन बटा सात, वाई का हम लोग का मान कितना है तीन बटा सात, इसको पुट कर दिया जाए समीकरण एक में, चाहे किसी में पुट कर सकते हैं हम समीकरण एक में पुट करें। हम समीकरण वन में क्या किया जा रहा है, एक्स बराबर सॉरी वाई है ना, वाई का मान निकालें, वाई बराबर तीन बटा सात रखने पर। ठीक है, यानी समीकरण एक में हम लोग क्या करेंगे, वाई के जगह पे तीन बटा सात उसका मान पुट कर देंगे, तो पुट किया जाए तो यहाँ पे तो टू एक्स है, तो टू एक्स ऐसे रहे ऐसे ही रहेगा प्लस थ्री इंटू वाई, यहाँ पर वाई है तो वाई का मान क्या निकालें हम लोग अभी थ्री बाई सेवन, तो वाई की जगह पर रख देंगे थ्री बाई सेवन और बराबर में जो चल रहा है ऐसे चलेगा तीन, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का टू एक्स प्लस तीन से तीन में उड़ा गया तो नौ और नौ बटा सात बराबर तीन, और टू एक्स नौ बटा सात उधर गया देखा हो जाएगा माइनस तीन तीन माइनस नौ बटा में सात, ये गया तो उधर माइनस हो गया नौ बटा सात प्लस था तो इधर क्या समय क्या हो जाएगा टू एक्स इसके ऐसे मिलेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इसके ऐसे मिलेंगे तो आ गया हम लोग का सेवन, तो एक तो सात में बाकी तो सात और सात से तीन में उड़ा किया तो इक्कीस माइनस कितना यहाँ पर हो जाएगा नौ, सात से सात में भाग किए फिर एक बार आया एक से नौ में उड़ा किए तो नौ, तो यहाँ से हम लोग का आगे हो जाएगा टू एक्स बराबर आ जाएगा हम लोग का इक्कीस में से नौ घटा कितना बचा, इक्कीस में से नौ घटा बारह बचा ना, बारह ही बचेगा बारह बटा सात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टू क्या टू भी यहाँ पर गुड़े में इसको भेजेंगे तो उधर धक्का हो जाएगा बटे में, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग यहाँ से एक्स का मान बारह बटा में सात गुड़े दो, तो एक्स बराबर कितना हो गया दो से कट गया बारह छः बारह में, तो एक्स का मान आ गया छः बट्टा में सात। ये हम लोग किसका मान निकाल दिए, ये निकाला है हम लोगों ने एक्स का मान, ठीक, और ये निकाला था हम लोग किसका, ये मान था हम लोग का वाई का मान। ठीक है, तो हम लोगों ने तो हम लोग के विस्थापन विधि द्वारा ऐसे एक्स वाई का मान निकालते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको ना समझ में आए तो इसको फिर से रिपीट करके वीडियो एक बार दोबारा देखें तिबारा देखें यानी दो बार तीन बार देखेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आता है समझ में, ठीक, पहली बार देखने पे थोड़ा उसको दो तीन बार करना पड़ता है तब याद आए समझ में। ओके, तो इसको कोशिश करिएगा आप लोग अपने से एक बार करने का, क्वेश्चन लीजिए आपको दे देते घर पर, इसको अपने से करिएगा कोई क्वेश्चन, इसको इसी विधि से मान ले दीजिए यहाँ पर हम लोग का एक्स प्लस थ्री वाई बराबर वन दे दिया, यहाँ पे टू एक्स प्लस वाई बराबर भी वन दे दिया। ठीक, इसको आप लोग अपने करिएगा होमवर्क में आप लोग को लिए। ठीक है, इसको भी हमें हल करना किस विधि से करिएगा, विस्थापन विधि से। ठीक है ना, तो हम लोग कौन सा इस पे? तो इसमें हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को हल किए किस विधि से, विस्थापन विधि से। ठीक है, तो विस्थापन विधि द्वारा हम क्वेश्चनों को ऐसे ही हल करते हैं। ओके, तब इसका नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कौन सा विधि से हल करना सीखेंगे, तो हम लोग लास्ट कौन सा विधि एक बच्चा, वो बच्चा हम लोग का वज्र गुणन विधि, यही ना, वज्र गुणन विधि। इसके लास्ट वीडियो यानी इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे हल किया जाए वो सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही बस, अब मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर बाय।